कुमार की सम्राट पृथ्वीराज मूवी ने बनाए 57 करोड़, जिसका बजट था 300 करोड़। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ने दो हफ्तों में कमाए 60 करोड़, जबकि बजट था 180 करोड़। और कंगना रनौत की धाकड़ मूवी ने केवल 2.5 करोड़ रुपए कमाए, इसका बजट था 80 करोड़ रुपए। राइट नाउ एवरीबडी हैज जस्ट बीन बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर फॉरहेड कि क्या करना है भैया, ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है। 2022 में 31 में से करीब 22 हिंदी मूवीज फ्लॉप हुई है और उन्होंने 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी खो दी है। इसके अलावा RRR, पुष्पा और KGF जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो अब पठान के बनवास का टाइम खत्म हुआ। पठान ने KGF 2 बाहुबली 2 को भी पछाड़ दिया। पहले दिन पठान ने 54 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, पर शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रचा इतिहास, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बनी। 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौटे शाहरुख खान। और ये तो सिर्फ ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।